हमीरपुर जिला के सुजानपुर आईटीआई में एमएमबी ट्रेड में एक छात्र के साथ प्रिंसिपल के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मोटर मैकेनिक ट्रेड के छात्र रोहित राणा सुपुत्र तिलक राज ने आईटीआई प्रिंसिपल कार्यालय के कमरे में बुलाकर बेल्ट से मारने के साथ प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। छात्र रोहित की पिटाई के बाद परिजनों ने हमीरपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस थाना हमीरपुर के केस को सुजानपुर थाना में ट्रांसफर किया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर आईटीआई में एमएमबी ट्रेड में एक छात्र के साथ प्रिंसिपल के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। एमएमबी ट्रेड के छात्र रोहित राणा पुत्र तिलक राज ने आईटीआई प्रिंसिपल पर कार्यालय के कमरे में बुलाकर बेल्ट से मारने के साथ प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। छात्र रोहित की पिटाई के बाद परिजनों ने हमीरपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस थाना हमीरपुर से केस को सुजानपुर थाना में ट्रांसफर किया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छात्र रोहित ने बताया कि प्रिंसिपल ने होमवर्क पूरा नहीं होने पर पिटाई की और कमरे का एसी चलाया और हाथ और पीठ पर बेल्ट से मारा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एक छात्र के हाथ पर जोर से मारा था, जिस पर छात्र के हाथ पर जख्म बना था। सुजानपुर आईटीआई में आईटीआई करता हूं। मैंने 31 दिसंबर को मैंने प्रिंसिपल सर से अपनी कॉपी चेक करवाई। सर ने चेक भी कर दी, इंडेक्स पे भी कर दिया साइन। सर ने बोला भाई हफ्ते में करवाते रहना चेक। फिर सर ने आज दो तारीख को मेरे को फिर से बुलवाया। उन्होंने मेरा रिकॉर्ड चेक किया, कहने उन्होंने मेरी थ्योरी की कॉपी चेक की। वो अभी मतलब चैप्टर आज ही ख़त्म हुआ था ना, कहने उन्होंने बोला तेरा काम अधूरा है, बोले यहाँ पे तेरा काम कंप्लीट नहीं, कहने इस पे नोट लिख। कहने फिर बोला भाई बोले तेरा एप्लीबिलिटी का भी काम पूरा नहीं है। एप्लीबिलिटी का काम पूरा था, मैंने कल सर से चेक करवाया एप्लीबिलिटी का काम। फिर सर बोले थे तेरा काम पूरा नहीं है। फिर सर ने बोला भाई नीचे लेट जाना। फिर सर ने एसी चला दिया। उसके बाद फिर सर बेल्ट से लगे मुझे मारने ना, कहने फिर सर ने बोला भाई खड़ा हो जा। कहने उसके बाद सर ने बोला भाई हाथ खड़ा आ गए। फिर पूठे हाथ में मेरे बेल्ट से मारी सर ने ना, कहने बोला भाई तेरा काम कंप्लीट नहीं, तो फिर रोज चेक करवाना काम। कहने के उन पे एक केस लग चुका है पहले। कहने वही आईटीआई सुजानपुर के प्रिंसिपल ने छात्र के द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा कि प्रशिक्षण संस्थान में अनुशासन में रहकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समय समय पर गाइडलाइंस दी जाती हैं। छात्र की पिटाई पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। अगर ऐसा प्रशिक्षण संबंधित हम अनुशासन के मध्यक्रम वायु के भविष्य को देखते हुए सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि इनका आगे का भविष्य उज्जवल रहे, उसके लिए हम इनको टाइम टाइम पर गाइडलाइन और निर्देश देते रहते हैं, जिससे कि इनका आगे बड़ा भविष्य ठीक बने। सर ऐसा कोई मामला प्रकाश में तो कि मारपीट या कुछ अन्य गतिविधियों में हुई हो? इंस्टीट्यूट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।